स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनने की कहानी। यह सब 1865 में पेरिस के पास एक रात के खाने के दौरान शुरू हुआ। फ्रांसीसी लोगों का एक समूह अपने तानाशाह जैसे सम्राट और अमेरिका की लोकतांत्रिक सरकार के बारे में चर्चा कर रहा था। उन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता के लिए एक स्मारक बनाने का फैसला किया और शायद अपने यहाँ लोकतंत्र के लिए फ्रांसीसी मांगों को भी मजबूत किया। उस रात्रि भोज में मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्ते बार्थलोडी थे। उन्होंने आज़ादी की रोशनी से जलती मसाल थामे एक महिला की मूर्ति की कल्पना की। बार्थलोडी के विचार को हकीकत में बदलने में 21 साल लग गए। फ्रांसीसी समर्थकों ने प्रतिमा बनाने के लिए धन जुटाया और अमेरिकियों ने उसके आसन के लिए भुगतान किया जिस पर वो खड़ी होंगी। इसे फ्रेंच मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्ते बार्थलोडी ने डिजाइन किया और उसका ढांचा गुस्ताव एफिल ने बनाया। फ्रेडरिक अगस्ते बार्थलोडी ने इसके निर्माण के लिए अपनी माँ को मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया। 151 फीट 1 इंच ऊंची और तांबे की मूर्ति उस समय अमेरिका की सबसे ऊंची संरचना थी। इंजीनियर गुस्ताव एफिल, जिन्होंने बाद में पेरिस में एफिल टावर को डिजाइन किया, ने लिबर्टी की रीढ़ को डिजाइन किया था। मूर्ति के अंदर 4 विशाल लोहे के स्तंभ एक धातु ढांचे का समर्थन करते हैं जो पतली तांबे की त्वचा को धारण करता है। प्रतिमा सिक्के जितनी पतली तांबे की 300 सीटों से ढकी हुई है। उन्हें हथौड़े से ठोककर अलग अलग आकार दिए गए हैं और एक साथ जोड़ दिया गया है। मसाल वाली भुजा की माप 46 फीट है, उंगली 8 फीट, नाक लगभग 5 फीट है। मूर्ति हवा में 3 इंच हिलती है और मसाल 5 इंच घूमती है। पर्यटक ताज में 25 खिड़कियों से बाहर देखने के लिए 354 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। मुकुट में 7 किरणें पृथ्वी के 7 समुद्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों का प्रतीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला था।